सेकंड हैंड के नाम पे कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। 10 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना ऐसे ही बहकाने के लिए बोल देती है। हम कह रहे भाई 3 महीने इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं कह रहा हूँ ये टाइम बेस्ट है, नया कार्ड खरीदना हो पुराना कार्ड खरीदना हो, अभी दोनों ही मार्केट में यूं पड़े हुए हैं। आगे भाई ग्राफिक कार्ड वाले। ये रे भाई नहीं नहीं है भाई, मजाक कर रहा भाई, फिर की मत लेना भी कमेंट में। हाँ भाई कमेंट में मत लेना यार दीपक भाई की तुम। तो भाई ये अपना कार्ड है, पहचानो कौन सा भाई मैं लेके जा रहा हूँ धीरे से भाई। ले जाओ ओके तो ठीक है गाइस, आपको अगर ये ग्राफिक कार्ड चाहिए तो आप भाई कॉन्टेक्ट कर सकते हो भाई, काफी भारी है वैसे तो। ये लो भाई ठीक है, अभी आप देख लो एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। आपके चक्कर में भाई नुकसान हो गया बहुत जबरदस्त भाई, नीचे गिर गए भाई कार्ड। तो क्या है दोस्तों, तो आप लोगों की बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई दीपक भाई सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड की वीडियो भी लेके आओ ना, क्योंकि भाई ग्राफिक कार्ड के प्राइस बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं ठीक है। तो इसलिए आप लोगों की डिमांड में भाई बहुत सारे ग्राफिक कार्ड लेके आ गए जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी प्राइसिंग के अंदर मिलने वाली है। तो भाई अभी मैं हूँ इन्फिनिटी गैजेट और मेरे साथ में धीरज भाई। धीरज भाई कैसे हो आप? एक नंबर दीपक भाई, आप कैसे हो? अरे बहुत मस्त। एक बार मतलब आप ये बताइए एग्जैक्ट इस वीडियो में हम करने क्या वाले हो, प्राइसिंग किस तरीके की मिलने वाली है? तो दीपक भाई इस वीडियो में हम सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग कवर करने वाले हैं। बिना बात घुमाए सीधा मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि देखो नेहरू प्लेस में मैंने एक चीज नोटिस की इतने महीनों में स्टोर पे कि भाई यहाँ पर कस्टमर ना दोनों तरह के है दीपक भाई, नए वाले भी हैं एंड मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर इज डिक्लाइन टुवर्ड्स सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड। सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड क्योंकि नेहरू प्लेस मार्केट में मैंने भी ऑब्जर्व किया, मैं पहले बहुत क्या पता मैं कितने पहले से वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पे जो सेकंड हैंड की डिमांड है ना वो थोड़ी ज्यादा है यार। है तो काफी कस्टमर सेकंड हैंड के चक्कर में ज्यादा आते हैं मार्केट में। तो यार हमने सोचा कि नए कार्ड्स बिक ही नहीं रहे, कोई ले ही नहीं रहा, तो यार हम भी सेकंड हैंड ही बेच लेते हैं बता के। ठीक है भाई, भाई सेकंड हैंड बेच रहे हैं। सिंपल सी बात है, देखो डिमांड एंड सप्लाई, जिस चीज की डिमांड है आपको वही दिया जाएगा ना। बेचने का काम है ना हमारा, तो हम जो बिक रहा है वही बेचेंगे दीपक भाई। ठीक है हाँ, लेकिन ये है सेकंड हैंड के नाम पे कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। आपको मैं दिखा दूं मेरे जो कार्ड्स होते हैं ना, अभी आप देखोगे ड्यूरिंग द वीडियो नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन, ये आप देख भी सकते हो एक बार। ये देखिए भाई क्या मतलब एकदम, आप देखोगे ना आपको फील होगा कि भाई आप सेकंड हैंड ले रहे हो ठीक है। मतलब एकदम पूरा न्यू तरीके का, मतलब बोले तो यार नया ही लग रहा है पूरा, ठीक है ना, नया ही है दीपक भाई। क्योंकि क्या है मोस्टली कार्ड्स पे तो देखो ऑफिशियल वारंटी भी बची रहती है काफी कार्ड्स पे, उसके अलावा 3 महीने की वारंटी हम स्टोर से देते हैं कस्टमर को। अच्छा 3 मंथ की वारंटी आपको एक कार्ड पे मिलने वाली है? 10 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना ऐसे ही बहकाने के लिए बोल देती है। हम कह रहे भाई 3 महीने इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बढ़िया लगे अपने दोस्तों को भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो नए में पैसे इन्वेस्ट मत करो, जिसका बजट कम है बढ़िया पीसी बनवाओ, कार्ड लगवा लो सेकंड हैंड। क्योंकि मेरे पास जितने कार्ड्स आते हैं ना आप मानोगे नहीं इसमें मेहनत कितनी है, सेकंड हैंड कार्ड्स में कितनी मेहनत है। नए का क्या है, फोन करा आ गया मेरा लॉट, मैंने बेच दिया लगा के पीसी में, या जिसको ग्राफिक कार्ड चाहिए मैंने उसे दे दिया दे दिया। अब पुराने कार्ड में क्या मेहनत होती है दीपक भाई, पुराना कार्ड एक तो तुम लो किसी से, लेने के बाद हम उसे पूरी सर्विस करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप रेंडमली जितने सारे कार्ड रखे कोई भी उठा के देख लो, अगर उसमें कहीं पर भी किसी भी कार्ड में कुछ भी गंदा दिख जाए तो आप मेरे को बता दो, सारे के सारे कार्ड एकदम फ्रेश है ठीक है, फ्रेश है भाई। क्योंकि यार हम इसे खुद करते हैं दीपक भाई, पता है सर्विस में इसकी टाइम लगती है, हम सर्विस सेंटर भेज देते हैं आधे कार्ड, वहां से सर्विस हो गए आ जाते हैं जो इन वारंटी होते हैं ठीक है। जो नहीं होते, जो छोटे मोटे गंदे होते हैं वो हम खुद सर्विस करवा देते हैं अपने इंजीनियर से, और उसके बाद कार्ड को अच्छे से दिया जाता है कस्टमर को। पूरी टेस्टिंग होती है फिर इसकी सर्विस होने के बाद, टेस्टिंग होती है सही है कि नहीं है कार्ड, क्या यूज के लायक है कि नहीं है, गेमिंग करा पाएगा नहीं करा पाएगा, रेंडरिंग करा पाएगा नहीं करा पाएगा, हर तरह की टेस्टिंग इनकी करके उसके बाद इस तरीके से बबल रैप में पैक कर दिया जाता है कार्ड को। अब ये सारे कार्ड्स भी पैक थे, दीपक भाई ने खुलवा दिए सारे, भाई दिखना चाहिए ना कि क्या आपको मिलने वाला है। हाँ सिंपल सी बात है, तो ये दीपक भाई ने सारे खुलवा दिए, हम सारे फ्रेश करके एकदम मस्त आप लोगों के लिए टेस्टिंग वेस्टिंग कम्प्लीट करके ऐसे पैक करके रख देते हैं। तो जो आप ये 3 मंथ की आप वारंटी मिल रही है ये मतलब आप ही की स्टोर की होगी? मेरे स्टोर से है यार, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप लेके जा रहे हो 3 महीने तक हम रिस्पॉन्सिबल है। ऑफिशियल वारंटी भी बाढ़ में जाए, बची होगी आप मत लो, अवेल करो उसको, नहीं करना चाहते नहीं टेंशन में आना, मैं 3 महीने तक मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 महीने तक कोई इशू आता आप मेरे पास आओ बेच ही जाओगे। ओके तो अभी मैं यहाँ पे बात करी, देखो न्यू भी अभी काफी अच्छे प्राइस के अंदर आ गई है, सेकेंडरी ऑप्शन से अगर आपका बजट यार सही है तो ऑब्वियसली बोलेंगे आप न्यू कार्ड में जाओ, अगर नहीं है तो भाई जिन लोगों की डिमांड ये थी भाई ये अभी आ गई है बेस्ट प्राइस के अंदर, बेस्ट प्राइस के अंदर है। मैं कह रहा हूँ ये टाइम बेस्ट है, नया कार्ड खरीदना हो पुराना कार्ड खरीदना हो, अभी दोनों ही मार्केट में यूं
पढ़े हुए हैं, आप समझो बात को। अभी ग्राफिक कार्ड की मंडी लग गई है। हाँ, तो नए की भी पुराने की भी, हालांकि नए कार्ड्स पे क्या है सिनेरियो इसकी और थोड़ा प्राइसिंग डाउन जानी चाहिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग, लेकिन नहीं जाएगी इससे नीचे, नहीं जाएगी दीपक भाई, ज्यादा हो गई है यार, बहुत ज्यादा डाउन आ गई है, इससे नीचे जा नहीं सकती, ब्रांड भी अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज को। जाती है तो भाई और मजा आएगा, मजा आएगा हमें क्या, हमारा तो वही मार्जिन रहता है जो रहता है, ठीक है ठीक है, प्राइस नीचे जाए ऊपर जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ लेकिन ये है कि जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, इससे नीचे नहीं जाएगी प्राइसिंग जो अभी चल रही है। अभी धीरज भाई यहाँ पे बात करें, देखो अभी आपसे कोई कार्ड ले रहा है तो मतलब ऑल ओवर इंडिया ये कार्ड शिपिंग होगी या ओनली पीसी बिल्ड के साथ में दिया जाएगा? देखो प्रेफरेंस तो यही रहती है कि कस्टमर जिसको जरूरत है ना, हाँ यार उस तक कार्ड पहुंच जाए ना, उससे बढ़िया बात कुछ नहीं होती दीपक भाई, मेरे को तो बेच तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होगी, डिलीवरी है। अगर आपको एक कार्ड चाहिए, दो कार्ड चाहिए, दस कार्ड चाहिए, कितने भी कार्ड चाहिए, डिलीवरी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो अभी धीरज भाई हम यहाँ समय को गवाए बिना पहले तो प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, बहुत लोग अभी वेट कर रहे हैं प्राइसिंग के बारे में। तो यार दीपक भाई जो प्राइसिंग रहने वाली है बहुत अमेजिंग प्राइसिंग रहने वाली है। अब देखो फिर से वही चीज आती है 710, 730, ये सब कार्ड्स के बारे में कोई फायदा नहीं है बात करके, ये जितने में सेकंड हैंड आएगा उतने में ही नया भी आ जाता है, तो इसकी तो नया ले लो, नया ही ले लो, तो उसमें भी क्या ही सेकंड हैंड, वही बात कर 20 सीरीज 30 सीरीज एंड 1660। बट फिर भी ऐसे भी दीपक भाई है ऐसे कस्टमर बेस जो मेरे को इन कार्ड्स में सेकंड हैंड क्वेरीज के लिए भी कॉल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं 1500-2000 रुपए एक जेनेरिक रेट है जिसमें आपको 710, 730 2GB वाला इसके बीच में मिल जाएगा, इसमें मिल जाता है, फिर 2500-3000 के बीच में 4GB वाला 730 आपको मिल जाएगा सेकंड हैंड। वो 3 मंथ वारंटी। उसके बाद बात करते हैं यार 1050 Ti, मैं कह रहा हूँ 1050 Ti से अच्छा आप 1650 लो सेकंड हैंड में अगर मिल रहा है। सेकंड हैंड में जैसे अभी मेरे पास स्टॉक है आसूस का है, ये ड्यूअल फैन, ठीक है, तो ये 1650 आपको मिल जाएगा 11000 रुपए। क्यों? क्योंकि एक तो आसूस का है, ड्यूअल फैन है, ठीक है, उसके बाद इसकी कंडीशन देखो यार, आप बोलोगे इसको पुराना कार्ड एकदम नया भाई, ये देखिए पूरा, तो कंडीशन के ऊपर भी होता है यार कि उसकी प्राइसिंग क्या रहती है, ठीक है, कमोडिटी की। तो ये वाला 11000 में मिल जाएगा, बाकी 10000, 10500, 11 ये रेट है 1650 का, ठीक है। ये आपके प्राइस फिक्स रहेगी या कोई आपके पास बिल्ड कराता है या लेता है थोड़ा बहुत होगा? देखो जो बिल्ड कराएगा ऑब्वियस है, क्यों, जो अमाउंट वो मुझे पे करने वाला है वो बढ़ गया, ओके, इसमें प्रॉफिट रेशो नहीं देख रहा मैं, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कस्टमर की जेब से ज्यादा पैसे आ रहे हैं मेरी तरफ, ओके ठीक है, तो उस चीज का ऑब्वियसली थोड़ा डिस्काउंट कस्टमर को मिलता है, मिलता है, चाहे वो नया कार्ड ले चाहे वो पुराना कार्ड ले, Okay. तो कस्टमर को इस चीज का फायदा होता है, जो पीसी बिल्ड भी कराते हैं साथ में हमसे, ऑब्वियसली उनको अच्छी प्राइसिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भाई आप कराओगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिलेगा ही, ठीक है। yes. तो नेक्स्ट बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट यार दीपक भाई इसके बाद ना बहुत लोगों का फेवरेट कार्ड है, इनफैक्ट मेरा भी है, GTX सीरीज में 1660 सुपर, TI नॉर्मल, तीनों को हम कंसिडर कर लेते हैं इसमें, बट 1660 सुपर और TI का बहुत ज्यादा स्टॉक है सेकंड हैंड में, ओके, वो आपको मिल जाएगा 13500 से लेके 15000 तक के बीच में, 13500 से 15000 के बीच में, यस, डिपेंड ऑन कंडीशन, कंडीशन एंड ब्रांड, ब्रांड, ओके, तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा और ब्रांड पे डिपेंड करेगा, ऑफिशियल वारंटी कितनी बची, बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, बट यस 13500 से 15 के बीच में कैसा भी कार्ड हो 1660 सुपर आपको मिल जाएगा सेकंड हैंड में, वारंटी हो ना हो 3 महीने की हमारी वारंटी रहेगी ही रहेगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट के बारे में सीधा हम RTX में मूव ऑन करते हैं दीपक भाई। RTX में सबका फेवरेट कार्ड जो भी चल रहा है दैट इज पुराना है 2060 सुपर 2060, बहुत सारे भरमार है 2060 की ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है 2060 के स्टॉक में, ये देखो ये 2060 है, ये पूरा इधर लगा है, सारा कैमरे में नहीं दिख रहा, मैं बीरोल में दिखाऊंगा सारा 2060 है। और दीपक भाई कार्ड की कंडीशन दिखाओ आप रैंडमली कोई भी उठा के, मैं कह रहा हूँ देख के हैरान कि भाई पुराना कार्ड है ये, पूछेंगे लोग तो भाई नए वाला कार्ड हाँ तो समझ लो बॉक्स नहीं है बट किसी भी कार्ड का, क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड हैंड कार्ड है, परफॉर्मेंस एकदम सही निकाल के देंगे ना, क्या चीज परफॉर्मेंस, मैं कह रहा हूँ हर एक कार्ड में हमारी कितनी मेहनत लगी है, मैंने शुरू में बताया था आपको कि हम इसे प्रॉपर सर्विस करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं खुद अपने सिस्टम पे लगा लगा के, ओके, कि भाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बाद इसको बबल रैप करके ऐसे रखते हैं कि भाई रेडी टू सेल, इस जब ये इस कंडीशन में आ जाता है ना हमारे पास हमारी टीम की तरफ से, इसका तो मतलब है रेडी टू सेल, रेडी टू सेल, हाँ। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको 3 मंथ की वारंटी मिली है, तो भाई 3 मंथ में, तो 3 मंथ में तो आपको बहुत कुछ कर सकते हो भाई कार्ड के साथ में, ठीक है ना, एकदम एक दिन में परफॉर्मेंस के पता चल जाते हैं कि कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा, 10 दिन में इसका तेल, 10 दिन में तेल निकाल के देख सकते हो निकाल पा रहा है कि नहीं, सिंपल है भाई, सीधी सी बात है, 10 दिन में बंदे को पता चल जाता है कि क्या ये परफॉर्मेंस भाई मैच कर रही है स्टैट्स से जो होने चाहिए कार्ड के, ओके। तो अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, यस 2060 का प्राइस मैं देखो आपको बताता हूँ, 2060 18200 वाला मेरा स्टॉक है, 18200 में आपको मिल जाएगा, एक नंबर कार्ड है, और
परफॉर्मेंस में भाई RTX में 3050 से अच्छी परफॉर्मेंस 2060 सुपर की है। ओके तो जो बंदा नया कार 3050 लेने की सोच रहा है दीपक भाई, गो विद दिस, आपके पैसे भी बच रहे हैं। ये 2060 सुपर है, सुपर है, यस 2060 नहीं सुपर है, सुपर है 2060 सुपर। ओके तो बढ़िया कार है, ड्यूअल फैन है, कंडीशन क्लीन है, नेक्स्ट टू न्यू है, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं, वारंटी में कोई दिक्कत नहीं। Okay. बहुत सारे कार्ड्स पे ऑफिशियल वारंटी भी बची हुई है, हमारी 3 महीने की खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं हम कस्टमर की हेल्प नहीं करते, आप आओ कुछ दिक्कत है तो अप्रोच तो मुझे ही करोगे, मुझसे सिंपल चीज़ करती है। भाई यही देखो आफ्टर सेल सर्विस ही बेस्ट होती है, यही मैन यही चीज होती है दीपक भाई। एक बार बंदे ने ले लिया वो दोबारा थोड़ी ना भटकेगा मेरे पास कभी भी, अगर मैं गलत करूंगा तो उसके साथ। मैं कह रहा हूँ बंदे कोई भी समस्या है यार बेझिझक होकर बताया करो कि भैया ये समस्या आ रही है, देखेंगे उसको बिल्कुल ठीक किया जाएगा। ठीक है तो अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यार 2060 सुपर हो गया, अभी 30 सीरीज पे आते हैं। हाँ देखो ये कार 18,200 का है, इससे सस्ता भी मिल सकता है 2060। ठीक है 2060 डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, कंडीशन ठीक है। कितने तक मिल जाएगा फिर भी आपके हिसाब से? लीस्ट से लीस्ट आप मान के चलो 16,500-17,000, कंडीशन बहुत खराब है तो ओके 16,500-17,000 से ऊपर, बाकी अच्छी कंडीशन। प्राइस देखो जैसा प्राइस वैसा सामान भी होगा, ये बात है दीपक भाई। ठीक है अब बात कर रहे थे 30 सीरीज की, 30 सीरीज में यार ये देखो गैलेक्सी का स्टॉक है 3060, ये भी दिखाओ यार, ये देखो ये देखिए एक नंबर कार्ड, वही गिर गया आगे भाई ग्राफिक कार्ड वाले ये रे भाई नए है भाई, मजाक कर रहा हूँ भाई, फिर की मत लेना भाई कमेंट में हाँ भाई कमेंट में मत लेना यार दीपक भाई की तुम। बाकी ये है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इसमें हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार, आप लोगों के लिए हम टेस्टिंग करते हैं इसमें और सर्विस करते हैं ना, टाइम कंज्यूमिंग है एक्चुअली ना ये चीज। ओके इसीलिए बट ये है कि हाँ अब जब ट्रेंड ही ऐसा है कि भाई बिक रहे सेकंड हैंड कार्ड, हमें भी बेचने पड़ रहे हैं, तो भाई उसमें भी हम ये इंश्योर करते हैं कि कस्टमर तक चीज ऐसी पहुंचे, बेस्ट सर्विस कि हमारे हाथों से निकली हुई चीज है, हमने इस पे टेस्टिंग करी हुई है, हमने ये यूज किया हुआ है खुद। ओके तो हम इसलिए श्योर होके बेच सकते हैं। ठीक है भाई ये जो फैन है ना ये घुमाने में बहुत मजा आता है भाई तब अभी नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, इसकी प्राइसिंग क्या बताइए आप? 20,500 से शुरू होके ओके 22,500 तक की ब्रैकेट है 3060 की। इसमें कार्ड की कंडीशन कैसी है, कितना वो यूज हो रखा है और क्या उसकी वारंटी बची है कि नहीं ऑफिशियल, इन सब चीजों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। बाकी जो ये दो कार्ड रखे ना अपने पास, ये जो यहाँ पे दिखाने के लिए, ये दोनों कार्ड की प्राइसिंग है 22,000 रुपए, 22,000 क्योंकि यार आप कोई नहीं कह सकता देख लिया आपने अभी तो वही बात है कि कंडीशन पे डिपेंड करता है प्राइसिंग कैसी है। ठीक है आप लोगे तो भाई थोड़ा आप करोगे तो ही है, मानो थोड़ा हाँ, मानते तो फिर भी नहीं है लोग, सही बता रहा हूँ पता है मुझे हाँ। तो अभी नेक्स्ट के बारे में बात, नेक्स्ट के बारे में दीपक भाई बात करते हैं 3060 Ti। 3060 Ti भी लोगों का इतना फेवरेट कार्ड है कि बहुत लोग उसे आज भी यूज करते हैं, बहुत बेहतरीन कार्ड है भी, कुछ लोगों का तो ड्रीम कार्ड है भाई बिल्कुल बिल्कुल। 3060 Ti की प्राइसिंग की बात कर ले दीपक भाई, मेरे पास अभी एक ये पीस है देखो, इसका लॉट है मेरे पास 3060 Ti गीगाबाइट ये देखे भाई, गेमिंग ओसी वेरिएंट है ये, गेमिंग ओसी वेरिएंट और काफी नीट एंड क्लीन ये देखिए पूरा। तो भाई अभी इसकी प्राइसिंग बता दो, एकदम जबरदस्त प्राइस आनी चाहिए क्योंकि ये कार्ड बहुत लोगों का ड्रीम कार्ड है, ड्रीम कार्ड हाँ। है ड्रीम कार्ड दे देंगे यार दीपक भाई सिर्फ और सिर्फ 27,500 में, 27,500 में 3060 Ti और इसकी ऑफिशियल वारंटी भी बची हुई है गीगाबाइट की तरफ से, 3 महीने तो मैं इंश्योर कर ही रहा हूँ आपको जो भी इसको लेगा, लेकिन उसके बाद भी ऑफिशियल वारंटी इसकी बची हुई है। ऑफिशियल वारंटी मतलब कितनी बची होगी? साल सवा साल मतलब एक साल की वारंटी आपको ब्रांड की तरफ से, ब्रांड की तरफ से मिलेगी, 3 महीने मेरा सर खाना उसके बाद ब्रांड का, अगर कोई दिक्कत आती ठीक है उसके बाद भी आ जाना दिक्कत मतलब यस। तो ये तो यार देखो 3060 Ti, 3060 Ti में ड्यूअल फैन में भी स्टॉक आता रहता है तो वो 25,000 का मिल जाता है, कोई 25,500 का मिल जाता है ज़ोटैक का। ओके तो डिपेंड करता है किस तरीके का स्टॉक मेरे पास आया हुआ है और वो किस कंडीशन में है और मेरे सर्विस करने के बाद भी क्या वो इस कंडीशन में लाने लायक है कि रेडी टू सेल मैं बोल पाऊं से। ओके मतलब इस तरीके से कोई इतना इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में सेकंड हैंड कार्ड सेल नहीं करते, वैसे लाया लोग ऐसे ही बेचते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेंड देखा है नेहरू प्लेस में, वारंटी कितनी मिलती है 10 से 15 दिन या 20 दिन इससे ज्यादा कोई नहीं देता। मैंने देखा है ना नेहरू प्लेस में ट्रेंड सेकंड हैंड का भी, जैसे कि खरीदते तो हम भी आप जैसे लोगों से ही है, अब जैसे जो वीडियो देख रहे हैं उनमें बेचने वाले भी होते हैं और खरीदने वाले भी होते हैं, बेचने वाले हो तो मैं कर लेना कॉन्टैक्ट हाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बेझिझक कॉन्टैक्ट करो कोई बेचने वाला है तो अब मैंने देखा यहाँ पे दुकानदार क्या करते हैं, कस्टमर आया ले लिया भाई उससे जैसे तैसे करके डील क्रैक हो गई उनकी, ले लिया okay. लेने के बाद वैसे के वैसे उसे पटक दिया वैसे की वैसे दे दिया किसी को, दुकानदार ने खुद आज तक वो कार्ड उसमें कोई पावर केबल ही नहीं ठूसी, कोई पीसीआई केबल ही नहीं लगाई कि भाई चला के भी देखूं कि चलता है कि नहीं okay. इस तरीके से सेकंड हैंड में काम होता है वो हमें पसंद ही नहीं है भाई एकदम। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट के बारे में दीपक भाई 3070 Ti, 3070 और 3070 Ti की प्राइसिंग की मैं बात करूं 3070 मिल जाएगा 32,000 में,
और 3070 Ti मिल जाएगा 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में बड़ा कार्ड है। डिपेंड ऑन ब्रांड, वेरिएंट भी बहुत सारे हैं, डुअल फैन, ट्रिपल फैन, ब्रांड भी बहुत सारी इन्वॉल्व हो जाती है, तो 5000 का ब्रैकेट इसलिए रखा है मैंने। ओके, 35000 में कोई बेसिक इनो 3D या ये सब गैलेक्सी का ड्यूअल फैन मिल जाएगा। okay. फिर प्रीमियम कार्ड ट्रिपल फैन आ जाते हैं, नीचे जैसे गैलेक्सी का SG एडिशन है, यार्जो टैग का ट्रिनिटी है। अभी नया प्राइस, न्यू कार्ड का क्या प्राइस चल रहा है इसका? न्यू कार्ड का प्राइस चल रहा है 57-58, वो भी कहीं कहीं। ओके, बाकी जगह 60+। ओके, ठीक है, तो काफी सही है यार प्राइस, बहुत सही है यार। नेक्स्ट बार हम बात, ऑफिशियल वारंटी भी बची रहती है कई कई कार्ड्स में, बड़े कार्ड्स में ना ज्यादातर में ऑफिशियल वारंटी बची रहती है। ओके, तो अभी हम 3080 और 3080 Ti के बारे में बात करते हैं, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। 3080 आपको मिल जाएगा 45,000 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यस, 45 से लेके 48-50 मैक्स टच करेगा, ठीक है, मतलब 45 से 48 का ब्रैकेट मान के चलो 3080 के लिए। Ti वेरिएंट चाहिए तो 48 से लेके 52, 48 से 52 के बीच में 3080 Ti मिल जाएगा आपको। ओके, अब 3090 आ नहीं रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि 3090 आप कांटेक्ट करके पता कर ले ना, कोई कोई इक्का दुक्का कार्ड आता है वो आते ही निकल जाता है, ठीक है, तो 3090 सीरीज तो मिलेगी नहीं भाई, वो तो अभी आया नहीं, वो तो अभी आई है तो उसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते, जबरदस्ती कहां से लाए सेकंड हैंड, सिंपल सी बात है। ये है कि हाँ, जो हमारे पास अवेलेबल है उसको खुले दिल से बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेच रहे हैं लोग, इतने लेके भी जा रहे हैं, सिर्फ एक ही रीजन की वजह से लेके जा रहे हैं लोग कि यार देखो, हम खुद, मैं कह रहा हूँ रैंडमली कुछ भी कार्ड उठा लेना, अभी भी चैलेंज है, आपको शिकायत मिल जाए कार्ड में, कार्ड मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दीपक भाई एक और कार्ड है जो कि मेरा सर इतना खाया ना लोगों ने इस कार्ड के लिए, ये रहे, ठीक है, हाँ, ये इतना मेरा सर खाया लोगों ने, भैया ये वाला कार्ड चाहिए, दिखाओ भाई लोगों को, आ गए भाई। तो भाई ये अपना कार्ड है, पहचानो कौन सा कार्ड भाई, मैं लेके जा रहा हूँ धीरे से भाई। ले जाओ। तो यार ये जो कार्ड है अपना, दिस इज 6600 XT और बहुत ही नेक्स्ट लेवल कार्ड है, एंड दिस इज फ्रॉम MSI Mac 2, सफायर में नहीं है, पावर कलर में नहीं है, दिस इज MSI का स्टॉक Mac 2 का हुआ है। इसकी प्राइसिंग मैं आपको दे दूंगा 20,000 रुपए, मात्र 20,000 रुपए, कंडीशन नेक्स्ट टू न्यू, और वारंटी मेरी तरफ से 3 महीने की वारंटी, ऑफिशियल वारंटी जो होगी आप अवेल कर सकते हो। ओके, कुछ ना कुछ बची होगी इनकी। ओके, किसी की 6 महीने, किसी की 8 महीने, किसी की 1 साल, इतनी वारंटी सब पे बची होगी कुछ ना कुछ, 3 महीने मैं इंश्योर करता हूँ आपको। ओके, तो ठीक है गाइस, आपको अगर ये ग्राफिक कार्ड चाहिए तो आप भाई कॉन्टेक्ट कर सकते हो, भाई काफी भारी है वैसे तो, ये लो भाई, ठीक है, अभी आप देख लो एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस आपके चक्कर में भाई नुकसान हो गया बहुत जबरदस्त, भाई नीचे गिर गए भाई कार्ड, भाई वीडियो में बहुत मेहनत लग गई भाई। तो भाई ये दो कार्ड गिर गए थे भाई, फाइनली भाई मैं सही बताऊं ना, जब गिरे ना मेरी सांसे निकल गई भाई, सच में कार्ड गिर गए भाई, मेरे को भरना पड़ेगा भाई, सोच रहे थे आया था वीडियो बनाने, देके जाना पड़ेगा भाई अभी, पर बच गए यार। MSI के कार्ड है, काफी स्ट्रॉन्ग है भाई, ऑब्वियसली काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ से वहां पे पड़े, मतलब इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गए पूरा, तो ठीक है यार, वैसे बच गई जान। मजाक से हटके बिल्ड क्वालिटी अच्छी है MSI के कार्ड्स की ना, Mac 2 सीरीज है ये, कोई हल्की सीरीज नहीं है ये, बहुत बहुत हैवी सीरीज है। अब जान पूछ के फेंक के मारोगे तो वो तो नेचुरली, चलो अभी हो गया, हमने टेस्टिंग कर ली अननोइंगली। टेस्टिंग क्या भाई, मैं ऐसा लेके जा रहा था बस, क्या है फोन के चक्कर में हो गया। तो ठीक है गाइस, ये थी आज की वीडियो में भाई प्राइसिंग आपको बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मिली है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपको जो वारंटी मिली ना आफ्टर सेल सर्विस, वो यार मेन हो जाती है, वो आपको बहुत ही कम जगह देखने के लिए मिलती है। तो ठीक है गाइस, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना, जो भी स्टोर का एड्रेस है नंबर है सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, वहां से कॉल करके बात कर सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।